जस पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का जी आया नू, मैं हाँ तुहाडे नाल हरकीरत सिंह आलूवालिया लैके हाजिर हाँ जी। तुहाडा हरमन प्यारा प्रोग्राम अज दा मुद्दा नॉर्थ अमेरिका दे विच वसदे सारे व्यूअर्स नू मेरी तरफों प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, इस प्रोग्राम दे जरिए कोशिश होंदी है साडी कि असी उन्हां इशूज़ दे उत्ते गल कर सकीए, उन्हां मसलियां दे उत्ते गल कर सकीए जो कि नैशनल अते इंटरनैशनल प्लेटफॉर्म दे उत्ते गंभीर विषय बने हुए हैं। और जब गंभीर विषयां दी गल हुंदी है तां चाहे वह विषय धार्मिक होण, समाजक होण, चाहे वह निजी होण, चाहे वह किसी सियासतदान दे नाल जुड़े होण, चाहे किसी जथेबंदियां दे नाल जुड़े होण, तां कोशिश हुंदी है कि उन्हां दे उत्ते विचार वटांदरा कीता जा सके पब्लिक डोमेन दे उत्ते। ते कोशिश साडी ते कोशिश जस ब्रॉडकास्टिंग दी यही रहिंदी है कि उस मुतलक तुसीं भी अपने विचार साडे नाल सांझे करो, और जो कि तुसी करदे भी हो। असी अपने सारे दर्शकों का धन्यवाद करना चाहते हैं कि जो कि अपने कीमती समा कट के इस प्रोग्राम नू वेखते हैं, ते नाल अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स अते कमेंट्स सानू भेजते हैं और सुनाउंदे हैं। जेकर मसलियां की गल करिए तां टीवी डिबेट्स, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया अपने हिसाब दे नाल वख-वख जिहड़ी गल्लां हन उह पेश कर रही हैं। मैं भारत की मीडिया की गल इस टाइम तुहाडे सामने कर रहा। एक हफ्ते पहला असी डिबेट की सी, और एक हफ्ते पहला असी मसला लैके तुहाडे सामने आए सीगे, और उन्हां मसलियां दे विच अही असी वेख रहे कि जिस मुतलक गल होनी चाहीदी है अज क्यों नहीं अपनी जिम्मेवारी समझ के मीडिया हाउसिस उन्हां मुतलक गल कर रही हैं। पब्लिक डोमेन दे उत्ते गल होनी चाहीदी है कि डिवलपमेंट कित्थे आ, पब्लिक डोमेन दे उत्ते गल होनी चाहीदी है वेलफेयर फॉर सोसाइटी, फॉर द सोसाइटी, क्योंकि यह सोसाइटी जिहड़ी है तुहाडे करके ही बनाई गई है, तुसी ही बनाई है। और जेकर सियासतदानां नूं अज कुर्सी ते विराजमान कीता वो तुसी ही कीता। जेकर मैं हुण इंडिया चला जावां, जेकर मैं हुण पंजाब चले जावां, तां वख-वख मुद्दे तुहाडे सामने इस प्लेटफॉर्म दे उत्ते असी लैके आए हां। जिस मुद्दे दे उत्ते अज असी गल करांगे, विचार करांगे, यह मुद्दा पिछले तीन हफ्तियां तों पंजाब दी सियासत दे विच, पंजाब दी राजनीति दे विच, पंजाब दे गलियारां दे विच, पंजाब दी पिंडां दे विच, और पंजाब दी सत्थां दे उत्ते भगदा मसला बनिया होया। मसला इस करके बनिया होया क्योंकि जिन्हां सियासतदानां नूं असी चुन के विधानसभा दे विच भेजिया, पार्लीमेंट दे विच भेजिया, इस करके भेजिया कि वह पंजाब दे मुद्दियां दी गल करनगे, पंजाब दे मसलियां दी गल करनगे। लेकिन साडे ज़हन दे विच साइकोलॉजिकली इस करके अजिहां गल्लां फिट कर दित्तियां गईयां हन ताकि असी रात नूं टीवी डिबेट देखिए असी कहीए कि कुछ नहीं हो सकता, पंजाब दा बेड़ा गर्क हो चुकिया, पंजाब दे हालत जिहड़ी है वह इन्नी खराब हो चुकी, पंजाब दे कोल खजाना नहीं हैगा, पंजाब दा खजाना खाली, और साडे साइकोलॉजिकली दिमाग दे विच फिट गल्लां हुंदियां हन और कर दित्तियां जांदियां हन ताकि असी इमोशनल होके अपने सेंटीमेंट्स नू हट करके असी कहिए कि कुछ नहीं हो सकता। मसले अज मैं ऑन एयर चैलेंज करदा, ऑन एयर जो सियासतदानां दे हिमायती हैं, जो इन्हां पार्टियां दे हिमायती हैं, चाहे वह पंजाब की किसी भी पार्टी का हिमायती होए, अज मैं चैलेंज करदा एक मुद्दा तुसी दस दो जिहड़ा सुलझा होए पंजाब दे अंदर, एक मुद्दा। मुद्दों की जेकर मैं गल करा ना तो लिस्ट मैं बनानी शुरू करांगा तो खत्म नहीं होएगी। एक मुद्दे दे उत्ते फैसला अगर अज आया होए पंजाब दे अंदर, हर पॉलिटिकल पार्टी ने, हर सियासतदान ने, चाहे वह किसी भी पार्टी के नाल संबंध रखता होए, पॉलिटिकल पावर नू गेन करन दे लई, अपनी कुर्सी नू बचाउण दे खातर, अपने पार्टी दे विच लीडरशिप दिखाउण दे खातर, अपनी गल्लां रखण दे खातर, अज एक भी मुद्दा सुलझाउण दी किसे ने भी कोशिश नहीं कीती। अज मैनू दस दो
एक पार्टी दस दो या एक नुमाइंदा दस दो जिन्हें पंजाब के हित दे लई और पंजाब के मुद्दों के लिए अपनी गल दे उत्ते अमली जामा अपनाया हो। गलता रखी काफ़ी काफ़ी सियासतदान गल रखते हैं, स्टैंड चकते हैं, लेकिन स्टैंड रखने तो बाद उसका निपटारा कितना होया। अज ओपन चैलेंज मैं इस मुद्दे दे विच देना उन्हां हिमायतियां नूं जो कि कहण कि हाँ पानी का मसला सुलझ चुकिया जी, किसानां दा मसला सुलझ चुकिया जी, जिहड़ा वख वख बेदबी कांड होए ने उन्हां दा भी मसला सुलझ चुकिया जी, जिहड़े झूठे मुकाबले किए गए उन्हां दा मसला सुलझ चुकिया जी, सड़कां दे नां दे उत्ते गुरुद्वारियां दे नां दे उत्ते ठगी मारी गई, करप्शन होए, वो मामले जिहड़े सुलझ चुके हैं जी। अज एक भी मसला जिहड़ा वो मैनू नहीं लगता कोई सुलझा होए। टीवी डिबेट्स होंदियां हन पंजाब दे विच, वख वख प्रतिक्रिया सुनने नूं मिलदियां हन। कोई कहिंदा जी असीं CBI दा गठन करता। CBI दा गठन करना सियासतदान कहिंदे ने कि ठंडे बिस्तरे ते पा देना, हुण कुछ नहीं हो सकता। तो किथे ना किथे जिहड़ी कोशिश हैगी है वो यह हैगी कि जी पिछे दरवाजे दे विच असीं चाह पीने आ और अगे दरवाजे दे विच जाके असीं लड़ने आ। बाकी जिहड़े साडे वसनीक ने, जिहड़ा साडा भाईचारा, चाहे वह इत्थे वसदा है चाहे वह विदेशां दे विच वसदा है, वह आपस दे विच उलझ जाण। लेकिन अपनी दोस्ती बिल्कुल जय वीरू वांग, अपना घर पक्का रखो और अपने घर दे विच आ वधिया माहौल रखो ताकि जिहड़े साडे चाहण वाले ने, साडे वोटर्स ने, साडे विदेशां दे विच वसदे साडे ओ पंजाबी ने जो कि सिर्फ कन्फ्यूज रहन, और कन्फ्यूज इस करके रहन क्योंकि उन्हां दे मन दे विच पंजाब ते पंजाबीयत अज भी वसदी है। और जेकर पंजाब और पंजाबीयत की गल करिए तां इस करके वसदी है क्योंकि असीं चाहुंदे हां कि पंजाब दे हालात खुशहाल होण। अज घर दे विच बत्ती जिहड़ी आ उह जलनी शुरू होए, जवानी जिहड़ी है ना उहदे हत्थ दे विच चिट्टे दे पुड़िया तों अलावा कलम होए, आंगनवाड़ी वर्कर्स ने ना जिहड़े उन्हां दे कोल रोज़गार होए, बुजुर्गों के हाथ दे विच पेंशन होए, नौकरियां होण, एजुकेशन का म्यार वधे, हेल्थ सैक्टर दे विच वधिया काम होवे। लेकिन मैनू बड़े दुख दे नाल कहना पैंदा समय समय दियां सरकारां बदलियां हन, समय समय दियां पार्टियां बदलियां हन, समय समय दे पार्टी दे झंडे बदले हन, पग्गां बदलियां हन, लेकिन हालात उवें दे ही उवें। असी वूमेन एम्पावरमेंट की गल करते हैं, यूथ एम्पावरमेंट की गल करते हैं, असी गल करते हैं कि पंजाब दे विच डायलॉग होना चाहिए डेवलपमेंट्स नूं लैके, पंजाब दे बच्चे दे घर घर दे विच पढ़ाई होनी चाहिए है ताकि बच्चा जिहड़ा वो पढ़े अगे समझे कि कीड़ी कीड़ी गल्लां दी सानूं लोड़ है। लेकिन बड़े दुख दे नाल मैनूं कहिंदा कि जेकर सानूं उलझा के रखता तो कास्ट एंड रिलीजन दे गल्लां दे नाल। अज जिहड़े भी सियासतदान वोटां लैके पंजाब दे विच उन्होंने हिमायत की जां अपनी सरकार बनाई जां मुख्यमंत्री की कुर्सी के उत्ते विराजमान होए, सिर्फ यही गल्लां करके, वादे करके, खिलवाड़ करके, तुहाडे नाल खेल के, तुहाडे सेंटीमेंट्स नूं जाण के कि हाँ अगर असीं यह गल करांगे असीं दे इन्हां दे हिक ते जाके वजेगी और असीं कुर्सी साडी सेफ होएगी। लेकिन एक दौर आया 2016 दे विच, दौर ऐ करके आया कि उम्मीदां जगियां। 2014 दे विच पंजाबियों ने एक अपना मन बना लिया कि असी पंजाब नूं साफ करना, बिल्कुल उम्मीद साडी जागी, उम्मीद तुहाडी भी जागी, उम्मीद मीडिया की भी जागी, उम्मीद हर पासे जागी कि एक नवी पार्टी आई है, यह पार्टी पंजाब दे भविख नूं सुनहरा कर देवेगी। और पंजाबियों ने की किया, चार सीटा पार्लीमेंट दे विच बना के इस पार्टी नूं विराजमान कराया। उत्थे जाके उन्हां नूं लग्या कि यह हिमायत करनगे पार्लीमेंट दे विच पंजाब पंजाबीयत दी। लेकिन 2014 तो बाद 2018 यह चार साल दे विच इस तरीके नाल इस एक पार्टी ने दुख पहुँचाया, चाहे वह पंजाब दे वसनीक होण चाहे वह विदेशों दे विच वसदे होण। मैनू बड़े माण दे नाल कहना पैंदा कि एक भी पंजाबी ने
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤੀਰੋਪ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਏ, ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਚਾਕੂ ਘੋਪਿਆ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਇਹ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਦ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਉੱਥੇ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੀ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ, ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ, ਆਪਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਮਨੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮਾਲਵਾ ਰੀਜਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਆਪ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਅਗਰ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਝਾੜੂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਝਾੜੂ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇਸ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਪਾ ਰਹੀ ਖੁਦ ਆਪ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਇਸ ਵੀਕ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਸਮਰੀ ਕੱਢੀਏ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਜਵੀਜ਼ ਇਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਫਿਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਧੱਕਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹਟਾਉਣ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਦਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨਹਿਰਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਹੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ। ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ।